हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जो बताने वाली हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आपकी एनडीए 2 रिक्रूटमेंट 2018 ऑनलाइन फॉर्म का डेट आ गया उसके बारे में मैं बताऊंगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो आपका स्टार्ट होने वाला है, ये जो स्टार्ट हो चुका है 6/6 से, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो गया। आज से फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है आपका सबमिशन का, एप्लीकेशन सबमिशन सबमिट करने का 2/7, यानी 2/7 से पहले आपको फॉर्म भरना होगा। 2/7 तक फॉर्म भर सकते हैं, 6 बजे से पहले आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी भी यहाँ पे है। टोटल वैकेंसी आपकी 383 वैकेंसी है। और आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाना होगा, upseonline.nic.in पे वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपकी वैकेंसी जो कैटेगरीज वाइज है उसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी में है 339 वैकेंसी, जिसमें से 208 फॉर आर्मी के लिए है, 39 फॉर नेवी के लिए एंड 92 फॉर एयर फोर्स के लिए। और नेवल एकेडमी में जो है आपकी टोटल वैकेंसी 44 है, जिसमें टोटल आपकी हो गई 383 वैकेंसी। तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका एज लिमिट क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो एज जो है आपका 2 जनवरी 2000 से पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। और ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है, वही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर आर्मी विंग के लिए जो है आपका 10+2 होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए आपका। और फॉर एयर फोर्स एंड नेवल विंग्स के लिए जो है आपका 10+2 होना चाहिए, बट फिजिक्स और मैथ्स आपका होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं जो आपका फ़ी क्या है। तो एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा, बस वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 100 लगेगा। और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका फ़ी हमने देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन जो आपकी एनडीए 2 की जो रिक्रूटमेंट के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपका पेपर 1 में जो मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोड 1, इट मीन्स 2.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो पेपर 2 है उसमें आपके 600 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 900 का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और जो आपके इंटरव्यू होंगे वो भी 900 के होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका है मैथमेटिक्स का भी सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री से आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस, आप देख सकते हैं। ये आपका पेपर 1 हो गया। अब हम पेपर 2 में जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके पार्ट 1 में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके 400 मार्क्स के होंगे, जिसमें सेक्शन ए में आपका फिजिक्स होगा, उसके बाद सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री होगा, सेक्शन सी में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन डी में हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट से आपके क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन ई में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन जो एफ में है आपके करंट इवेंट से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।